हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ ट्रैक्टर कार और सब जो डीसी वाली एम्पलीफायर आती है उन सबकी एम्पलीफायर जो बाप रहने वाली है, सबसे खतरनाक 500 वाट एम्पलीफायर जो कि आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, जो कि क्लास डी में प्रॉपर क्लास डी में एम्पलीफायर होने वाला है। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो देख के आप कहोगे भाई साहब मजा आ गया। जो इसका लोड है ना वो बिल्कुल लो वोल्टेज वर्क पे है और काफी हाई पावर इसका प्रेशर रहने वाला है, जिसको हम बोलते हैं आवाज, काफी पावरफुल आवाज रहने वाला है। काफी खतरनाक इसका बेस रहने वाला है, जिसको मैं आपको 12 इंच स्पीकर 15 इंच स्पीकर किसी पे भी चला सकते हो इस एम्पलीफायर को। 8 स्पीकर ये 10 इंची के चला सकती है आराम से, बिल्कुल बिना हीटिंग इशू, इसमें बिल्कुल हीटिंग इशू नहीं रहने वाला है। जितना ही लोड डाल दो इस पे, पूरा क्लास डी में एम्पलीफायर है अब तक का हमारे इंडिया में जो बना है मॉडल, इस 2024 में आने वाला है वो टेक्निकल एम्पलीफायर जो अब हमने बना दिया है। तो आप हमारी शॉप से मंगवा सकते हैं, और अगर हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। इसके बारे में आपको चला के दिखाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है वो भी दिखाऊंगा, क्या क्या इसमें हमने यूज किया है वो भी दिखाऊंगा, और आपको जितने पीस चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उन व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हम स्पीकर्स पे पहले इनको चलाने वाले हैं वो स्पीकर्स कैसे होने वाले हैं, तो पहले स्पीकर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर डीजे। ये देख सकते हैं हमारे 8 स्पीकर होने वाले, 10 इंच के 8 स्पीकर, चारों साइड में स्पीकर्स लगे हुए हैं इसमें, सिंगल सिंगल पेयर में है ये दोनों। और जो इनकी ओम हम बात कर लें यहाँ पर, ओम्स कितना ओम्स का लोड रहने वाला है, तो हमने इन दोनों स्पीकर को सीरीज में किया हुआ है जिससे कि काफी अच्छा हमको बेस मिले। और ये जो एक स्पीकर में बात की जाए ओम्स की, तो ये एक स्पीकर लगभग 5 से 6 ओम्स का स्पीकर रहने वाला है, एक 8 ओम का स्पीकर नहीं है, ये 8 ओम का स्पीकर नहीं रहने वाला, थोड़ा कम ओम्स का है जिससे कि हमको आवाज काफी तगड़ा मिले। जितना कम ओम का होगा उतना आपको आवाज तगड़ा मिलेगा, और हमने इसको सीरीज कर दिया है तो इससे बेस भी काफी हमको तगड़े मिलने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने 4 टूटर यूज किए हैं आइज, जिनको हम आइज बोलते हैं, काफी खतरनाक। और इनके साथ हम देख सकते हैं इनमें LEDs फिट करी हुई है जो कि हमारी गाना चलने के साथ साथ जुड़ने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके एक बार ओम्स, इसके वायर्स में ओम दिखा देता हूँ कितना ओम्स का एक स्पीकर का लोड रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे मीटर पे एक बार वो नजर डाल लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी आ रही है 6 ओम्स के 5 ओम्स के लगभग आ रही है इसकी कंटिन्यूटी। और जब हम इनको दोनों को पैरेलल मोड में करेंगे तो इनकी कंटिन्यूटी होने वाली है, देख सकते हैं इन दोनों को हमने जब पैरेलल मोड में करते हैं, ब्लैक ब्लैक वायर में और रेड को रेड वायर में, जब हमने इनको पैरेलल मोड में किया तो इसकी कंटिन्यूटी रहने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बोला था 3 ओम 4 ओम के लगभग रहेगी, 3.5 ओम इसकी कंटिन्यूटी रहने वाली है, जो कि हमारी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। इस पे एम्पलीफायर पे भी लोड नहीं पड़ेगा इतना, और ना स्पीकर पे, आप जितना दम लगा के बजा सकते हो ना इस एम्पलीफायर को, जितना बजा लो, लेकिन ये खराब होने वाले एम्पलीफायर नहीं है, दमदार पावरफुल एम्पलीफायर के लिए रहने वाली है आपके लिए। तो इसको अब हम स्पीकर्स के वायर में लगा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एम्पलीफायर के जो मेन कनेक्शन के तार आते हैं अर्थ फेस वाले, देख सकते हैं कितना हैवी वायर लगाया है हमने, देख सकते हैं आप कितना mm का 6 mm का वायर हमने यूज किया है इसमें, देख सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत काफी भारी वायर होने वाला है। और यहाँ पर स्पीकर्स के देख सकते हैं 1 mm का वायर हमने यूज किया हुआ है, बिल्कुल प्योर कॉपर है ये, बिल्कुल प्योर कॉपर में होने वाला है। और इसको अब आपको पहले टेस्टिंग करा देते हैं, फिर इसको अंदर को खोल के इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसमें क्या क्या हमने यूज किया है आपके लिए। तो पहले इसके तार लगा लेते हैं, ये हमारे स्पीकर्स के वायर हो जाते हैं, इन स्पीकर्स के वायर्स को स्पीकर्स में लगा लेंगे। और ये स्पीकर्स की वायर में लगाने के बाद इसमें हम तार भिड़े नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा टेप का यूज कर लेंगे, यूज किया है यहाँ पर दोनों वायर्स में टेप का यूज कर लेंगे ताकि ये आप सरी में भिड़े ना, जिससे कि हमारा एम्पलीफायर खराब ना हो पाए। और इस एम्पलीफायर में ये भी, अगर आपके तार एक बार भिड़ जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, खराब नहीं होने वाला है, एक बार भिड़ के हट गया तो कुछ नहीं होगा इसमें, लेकिन आप इनको भिड़े रखोगे फिर चलाओगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे भिड़ जाएं उल्टे छोटे तार लग जाएं तो कुछ नहीं होने वाला है इस एम्पलीफायर में। तो आप सावधानी के साथ एम्पलीफायर बनाया है टेक्नोलॉजी के लिए, और इसका प्राइस भी काफी कम रहने वाला है, इतना प्राइस भी नहीं होना होगा इसका जितना कि आपको चाहिए भाई साहब, हवा में रेट होगा इसकी। तो इसका प्राइस जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जिसको भी चाहिए। तो हमारी 12 वोल्ट डीसी की वायर यूज ले लेते हैं, 12 वोल्ट डीसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 12 वोल्ट के लिए ये दो वायर्स यूज किए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को लगा देंगे, ब्लैक में ब्लैक और रेड में रेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगाने के बाद यहाँ पर इसमें लाइट जुड़ जाएगी, और इन पर भी टेप कर देंगे ताकि ये भिड़े ना। अब इसकी वॉइस आपको चेक करा देता हूँ, इसका कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है, इसके अंदर क्या रहने वाला है।
पहले इसको खोल लेता हूँ, फिर इसके बाद में आपको इसकी टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, क्योंकि खोलने के बाद आप जान पाओगे इसमें क्या है, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो पहले इसको खोल लेते हैं हम। चलो हम इसको खोलने वाले हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होने वाला है। इसके बाद में आपको सुनने को मिलेगी हमारी जानदार टेस्टिंग, जिसकी आवाज़ होने वाली है भाई साहब 2 किलोमीटर का एरिए में पूरी तरीके से तबाही मचा देगा ये सेटअप। तो इसको पहले खोल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने हमारे एम्पलीफायर के पूरे बोल्ट खोल लिए हैं। इसके बाद हम इसको खोलने वाले हैं, इसके अंदर क्या होने वाला है। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर हमने कुछ इस प्रकार से सिस्टम सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इससे बात की जाए इसकी सप्लाई की, कि हमने इसको कितने वाट की सप्लाई दे रखा है इस बोर्ड को, जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है इसमें उसके लिए कितना वाट का हमने प्रोग्रेस किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने वायर 6 mm का लगभग यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा फैन दिया हुआ है, जो पहले तो इसमें बिल्कुल हीटिंग इशू नहीं है कि ये हीटिंग होने का, तो बिल्कुल इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिल्कुल हीटिंग नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो 50-50 वाली सप्लाई आती है उस सप्लाई का हमने यूज़ किया हुआ है, और इसके बाद में भी हमने यहाँ पर देख सकते हैं 2 कैपेसिटर्स बड़े वाले इनको यूज़ किया है, जिससे कि हमारा बेस काफ़ी इंक्रीज हो सके, एम्पलीफायर दब ना सके, बिल्कुल भी फटी आवाज़ ना निकाल सके, एम्पलीफायर में जान बनी रहे एक तरीके से बढ़िया वाली। और फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं हमने जहाँ पर ये बोर्ड देख सकते हैं 500 वाट का बोर्ड यूज़ किया हुआ है, ये देख सकते हैं 500 वाट का क्लास डी जो इसको बोलते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ इसका यूज़ किया है एशिया का, जिसे बोर्ड बोलते हैं, काफ़ी धमाकेदार इसका बेस होने वाला है। और इसके बाद में देख सकते हैं हमने सेलकॉन की बीटी का ओरिजिनल बीटी वाला यूज़ किया हुआ है, जिससे कि आपको क्लियर वॉइस मिल सके दमदार वाली। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार से हो सकता है, इसका मॉडल भी चेंज हो सकता है कुछ इस प्रकार से, लेकिन इसका जो अंदर वाला मटेरियल है वो लगभग ऐसा ही मिलेगा आपको लुक में। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस से इसका काम किया हुआ है हमने, और काफ़ी जानदार इसकी वॉइस पावरफुल रहने वाली है इसकी। अब टेस्टिंग करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं इसमें। इसमें हम अब सॉन्ग प्ले करने वाले हैं, हमारा ये सॉन्ग होने वाला है, इसको सॉन्ग को प्ले कर लिया हमने। अब यहाँ पर एम्पलीफायर में इसका वॉल्यूम करते हैं, देख सकते हैं। भाई इसका बेस सुन के हमको मजा आया, क्या कड़क पंच था इसका, पंच जो होने वाला है काफी खतरनाक एम्पलीफायर का होने वाला है, जिसे पंच बोलते हैं, जिस तरीके से जो इसका जंप होता है स्पीकर का। तो आपको एक बार और दूसरे सॉन्ग में प्ले करके सुनाएंगे आपको, दूसरा सॉन्ग प्ले कर लेते हैं हम। दोस्तों अगर आपको हमारा टेस्टिंग बढ़िया लगे तो वीडियो फटाफट से लाइक कर दे, जो कि मेरा प्रोग्रेस है ना जहाँ से। तो ये काफी खतरनाक बेस निकाल रहा है इसकी, जो आपको आवाज सुनोगे बहुत लंबी आवाज होने वाली है इन स्पीकर्स की, काफी खतरनाक भयंकर एम्पलीफायर है ये हमारा। स्पीकर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो हमारा एम्पलीफायर है वो आपको बहुत कम जगह पर देखने को मिल सकता है। तो हमारा अगर आप एड्रेस जानना चाहते हो तो हमारा गूगल मैप पे मिल जाएगा, परमात्मा डीजे इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से हमारा।
जो एड्रेस है दुकान का, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप वहाँ से हमारा एड्रेस देख सकते हैं वहाँ से, और हमारे डिस्क्रिप्शन में से हमारा लिंक ले सकते हैं जो कि गूगल मैप का मिल जाएगा, और नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए अलविदा लेते हैं।